हेलो गाइस एलोगाइज रशियाज टैंक हंटर यूनिट टू ऑबलिटरेट वेस्टर्न एम्बिटीज यूक्रेन वॉन्स अबाउट मॉस्काउस वेबुलस बम्ब्स रशिया ने अपनी नई यूनिट टैंक हंटर यूनिट बनाई है जो कि वेस्टर्न टैंक्स को मार के फोड़ के भगा देगी यूक्रेन ने वॉन्ड किया है मॉस्काउ के वेबुलस बम्ब्स के बारे में यूक्रेन ने वॉन्ड किया है कि न्यूली मॉडिफाइड रशियन एफ ए बी फाइव हंड्रेड एरियल बॉम्ब्स जो कि ग्रेव ट्रीट होंगे कंट्री के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वार्निंग आया है यूक्रेन ने प्लान किया लॉन्च करने के लिए फ्रेश काउंटर ऑफेंसिव री करने के लिए की टेरिटरीज को अपकमिंग मंथ्स में रिसेंट वीक्स में यूक्रेनियन मिलिट्री लीडर्स एंड किए हैं पॉसिबल लॉन्चिंग में नए काउंटर अटैक को रशियन फोर्सेज पे बट यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक टारगेट्स और डिटेल्स को लेकर ऑपरेशन में यूक्रेन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि रशियन फोर्सेज जो यूज़ करेंगे अपग्रेडेड फाइव फाइव हंड्रेड एरियल बॉम्ब्स अगेंस्ट द एरियाज क्लोज टू द फ्रंट लाइंस रिसेंट ब्रॉडकास्ट में एयरफोर्स फोर्स स्पोक्समैन फॉर द यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस यूरी एहनाथ ने कहा है कि जो रशियन मिलिट्री होगी वो बिगन कर देगी टर्न करना फाइव फाइव हंड्रेड को हाई एक्सप्लोजिव एरियल बॉम्ब्स को क्रूज़ मिसाइल्स में यानी जो फाइव फाइव हंड्रेड है ये यूज़ होता है हाई एक्सप्लोजिव एरियल बॉम्ब्स के लिए यानी एक एरिया में विस्पोर्ट करने के लिए अब इसको क्रूज मिसाइल बना देगी तो एज पर अ रिपोर्ट फ्रॉम यूक्रेनियन परावदा यूक्रेनियन ऑनलाइन न्यूज़पेपर द रशियन मिलिट्री इज़ यूटिलाइजिंग दीज बॉम्ब्स इन बॉम्ब को यूज़ करिए रशिया की मिलिट्री रेंज बियॉन्ड द रीच ऑफ यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम का जितना रेंज नहीं है उस रेंज के बाहर से इस मिसाइल्स को यूज़ कर रही है यह है इमेज बाई रशियन एरियल बॉम्ब की जिसमें प्रीवियसली अननोन विंग किट के साथ देखा गया तो था सोशल मीडिया पे। अकॉर्डिंग टू द न्यूज सोर्स एनाथ ने ऐड किया है कि जो यूक्रेन है बिटवीन रशिया यूक्रेन बिलीव करता है रशिया के ऊपर मे बी गेटिंग रेडी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज वेपन्स विच विल इनकॉर्पोरेट विंग्स एंड जी नेविगेशन तो यूक्रेन को भरोसा है कि रशिया इस तरह के हथियार का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और इसमें विंग्स और जीपीएस नेविगेशन लगा देगा यानी टारगेट सटीक मारे इसके लिए जीपीएस सिस्टम भी लगाएगा कमांडर ऑफ द यूक्रेनियन मिलिट्रीज एयर फोर्स माइकोला ऑस ने इशू किया है सिमिलर वार्निंग यूजिंग दिस बॉम्ब्स को ऑस ने वार्न किया है टेलीग्राम पोस्ट में कि रशिया जो है इंक्रीज करेगा इम्प्लॉय करेगा पाँच किलोग्राम गाइडेड एयर बॉम्ब को साथ में एंटायर पूरे फ्रंट लाइन पे जितना भी फ्रंट लाइन पर रशिया युद्ध कर रहा है वहाँ पे इस तरह के बॉम्स लगाए जाएंगे फॉर्दर मोर रिपोर्ट है कि सरगा सोग्यू जो मिनिस्टर एंड डिफेंस ऑफ द रशियन फेडरेशन के रिसेंटली इंस्पेक्टिंग किया है फैसिलिटी को जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्टेबलाइज किया गया प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के बॉम्ब्स को रशियन प्लेन्स ने अवॉइड किया एंटर करना यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम में रेंज में और कैरी आउट किया रिमोट स्ट्राइक्स फ्रंट लाइन में नियर बाई सिटीज़ में अकॉर्डिंग टू ओस लैक यूटिलाइजिंग एफ सिक्सटीन फाइटर्स वुड enhance द यूक्रेन capability टू काउंटर दिस bombs इफेक्टिवली तो रशिया के जो प्लेन्स हैं, वो बाहर से यानी रेंज के बाहर से हमला कर रहे हैं प्राइवेट जगह हमला कर रहे हैं जहाँ पर डिफेंस सिस्टम नहीं है सिटीज़ के पास में हमला कर रहे हैं एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स जो हैं इन्हेंस कर देंगे यूक्रेन की कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए इस बॉम्स को इफेक्टिवली यूक्रेन ने आज किया वेस्टर्न पार्टनर से खास करके अमेरिका से ताकि वो उसको मॉडर्न फाइटर जेट दे सके स्टैंडर्न करने के लिए डिफेंस को वॉर वॉर टन कंट्री हैज पर्टिकुलरली रिक्वेस्टेड एफ सिक्सटीन फाइटिंग फैलकोन फाइटर जेट्स नेवरलेस बाइडन गवर्नमेंट ने अभी मना कर दिया है प्रोवाइड करने के लिए कीव को इक्विप्ड विथ एयर टू एयर मिसाइल्स डेट कवर द डिस्टेंस ऑफ अप टू वन एटी किलोमीटर्स एफ सिक्सटीन का डेटर हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट फ्रॉम अप्रोचिंग यूक्रेनियन बॉर्डर एंड द फ्रंट लाइन देयर बाई रेड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्लॉइंग गाइडेड एरियल बॉम्ब्स एंड अदर एयर बेस्ड वेपन्स ऑस्चुक नोटेड इक्वड विद एयर टू एयर टू एयर मिसाइल है हवा में हवा मारने की मिसाइल जो कि कवर करती है डिस्टेंस एक सौ अस्सी किलोमीटर तक एफ सिक्सटीन डिटर करता है हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को अप्रोच करने पे यूक्रेनियन बॉर्डर्स पे और फ्रंट लाइन पर तो एप सिक्सटीन की मदद से यूक्रेन की सेना रशिया के एयरक्राफ्ट को रोक देगी बॉर्डर पे आने और उनको वहीं पे मार के फोड़ देगी देयर बाय रिड्यूस कर देगी प्रोबेबिलिटी डिप्लॉय करने का गाइडेड एरियल बॉम्स अदर एयर बेस्ड वेपन्स ऑल स्किस स्को तो जो डिप्लॉय करेगी गाइडेड एरियल बॉम्ब्स को और कुछ और वेपन्स उनकी डिप्लॉयमेंट कम हो जाएगी मॉस्को डिप्लॉय कर रहा है टैंक हंटर्स को सीनियर रशियन डिफेंस ऑफिशियल ने स्टेट के इंटरव्यू में पब्लिश हुआ दस अप्रैल को रशिया जो है असेंबल कर टैंक किलर ग्रुप को जो काउंटर करेगा नाटो के एम बी टी एस को डेट की आप देख सकते हैं इंटरव्यू विद रशियन मीडिया एवजेनि द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड इन सेंट्रल रशिया नियर निजनी रोड स्टेट किया कि जो यूनस बर्क है, यूकोर्वो यू कुरो यू रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हेट गिवन द डायरेक्टिव टू तो स्टेबलाइज द यूनिट्स आर फुलीन ने कहा है कि जो रशियन मिलिट्री है वो डेवलप करके इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस एक्म्पलिश करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव को जो कि करेंटली एग्जीक्यूट किए गए ट्रेनिंग फैसिलिटी में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्रोडिक्ट किया है कि यूक्रेन जो होगा उसको 400 टैंक्स मिलेंगे वेस्ट से मार्च के अंत तक जर्मनी मिनिस्टर डिफेंस अनाउंस लास्ट मंथ दैट 18 लेपर्ड टू ए सिक्स टैंक्स एंड एमओ एंड स्पेयर कंपोनेंट्स अराइव्ड हो चुके हैं डेस्टिनेशन पर यानी यूक्रेन में जा चुके हैं द रशियन मिलिट्री क्रिएट करिए स्पेशाइज ग्रुप्स को जिनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एलिमिनेट करना वेस्टर्न मेड टैंक्स को अकॉर्डिंग टू रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स लेटेस्ट स्टेप जो है कम्प्रीहेंसिव और ऑर्गेनाइज एफर्ट का ये इंप्लीमेंट किया गया है नेशनल लेवल पर तो ये है जर्मन लेपर्ड टैंक देखने में बवाल है भाई इन एडिशन टू ट्रेनिंग टैंक हंटर्स को फैसिलिटी में प्रोवाइड की गई है ट्रेनिंग इन वेरियस अदर फील्ड्स सच एज आर्टिलरी फायरिंग में ऑपरेशन ऑफ मिसाइल सिस्टम है आर आर्फुलिन रिमार्ड और फैसिलिटी ट्रेन करती है सात सौ सो सोल्जर्स को एक साथ ऑफिशियल्स ने नोट किया है आर आरफुल ने हाईलाइटेड किया कि रशियन मिलिट्री अटेंशन जो है प्राइमली डायरेक्ट किया एटवर्ड काउंटर करना वेस्ट आर्मड व्हीकल्स को उन्होंने मैंसन किया कि जो मिलिट्री है वो थ्रूली स्टडी कर रही है सारे टाइप्स के टैंक्स को जिसमें अमेरिकन एम वन एब्रम्स है जर्मन लेपॉर्ड है ब्रिटिश चैलेंजर है और फ्रांस लेचर्स हैं टैंक हंटर ग्रुप मेंबर्स इनको कोस्ट किया गया सीजनड इंस्ट्रक्टर्स द्वारा मतलब हर सीजन के बाद चेंज कर दिया जाता है उनको हु हैव पार्टिसिपेट किया अलग अलग बैटल्स में कुछ सालों में इंक्लूड किया गया है ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में भी ये नोट किया गया कि जो ग्रुप्स हैं ये कॉन्टेस्ट किया है केवल कि फ्यू सोल्जर्स को मोस्ट ऑफ वूम आर इक्विप्ड विथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लॉन्चर्स एंड मोस्ट यूज री ड्रोन्स तो जो ग्रुप है जो सोल्जर्स सेलेक्टेड हुए हैं उन लोगों को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दी गई हैं साथ में ड्रोन्स दिए गए हैं जो रिमोट के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं क्रेमलिन ने प्रीपेडेडली वन किया वेस्टर्न कंट्रीज को कि प्रोवाइड करना वेपन्स कीव को डायरेक्ट पार्टिसपेट करेगा ऑन गाइंग कॉन्फ्लिक्ट तो क्रेमलिन मतलब यूक्रेन की राजधानी जो है उसने कहा है दो अलग अलग देशों से कि अगर आप हमको हथियार देंगे तो हम लोग डायरेक्ट आपकी तरफ से भी लड़ लेंगे रशिया के खिलाफ रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ टैंक्स टू यूक्रेन डेमरेट्री पेस्कोफ द क्रेमलिन प्रेस सेक्रेटरी रिमार्क किए कि जो टैंक्स है सफर करेंगे सेम फेट एज द रेस्ट ऑफ यूक्रेन मिलिट्री इक्विपमेंट और कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इनका आउट गोइंग ऑफ द फाइटिंग में तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय